हेलो एवरीवन, सुपर्ब रेसिपीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्राई फिश। मसाला फ्राई फिश कैसे बनाते हैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं। आप मार्केट से फिश ले आइएगा, 3 केजी फिश है और ये हमने आधा बाउल दही डाल दिया है खाली पतीले में और आधा कटोरी हम डालेंगे बेसन और 1 चम्मच है गरम मसाला। गरम मसाला देख लीजिए 1 चम्मच है और आपको 4 से 5 चम्मच नमक डाल देना है 3 केजी फिश के हिसाब से और 1.5 चम्मच आपको डाल देनी है हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये है चिकन मसाला। MDH का जो चिकन मसाला आता है उसकी 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा और इसे हाथों से अच्छे से मिला लीजिएगा। बिल्कुल भी गठली नहीं रहनी चाहिए बेसन में, एकदम अच्छे से मिला लीजिएगा। हाथ से मिलाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से मिला लीजिएगा और फिश को आप इसमें ऐसे अच्छे से मसाला अच्छे से हर जगह लगा दीजिएगा, स्किन पूरी ढक दीजिएगा इस तरह से। आप इस तरीके से फ़िश फ्राई करेंगे तो आपकी फ़िश में कभी भी स्मेल नहीं आएगी और आपको बिल्कुल भी घिन नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम के लिए आप इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ सकते हैं। 2 घंटा भी रख सकते हैं, 3 घंटा भी रख सकते हैं, 4 घंटा भी रख सकते हैं, आप चाहे तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे तो फ़िश अच्छे से अंदर तक मसाला जाएगा और ये सॉफ्ट बन के तैयार होगी, अंदर से फ्लेवर आएगा इसमें और साथ में कुरकुरी भी फ्राई होगी। तो आप जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब देखिए हमें हो चुके हैं 3 घंटे। अब हम तेल गरम करके सीधा करेंगे इसे फ्राई। इस तरह से आपको एक एक करके सारे पीस डालते रहना है, जितनी कढ़ाई में जगह हो उस हिसाब से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते उठाइएगा ताकि मसाला इससे हिले ना। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको हाई फ्लेम पे ही फिश फ्राई करनी है। ये देखिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपके पास 7 से 6 मिनट के बाद इसको आप पलट सकते हैं। आप देख लीजिएगा एक साइड से पक चुकी है, अगर आपको लगे कि पक गई है तो आप इसे अच्छे से पलट दीजिएगा धीरे से आहिस्ता इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको पलट देना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, तेल के छींटे लग जाएंगे, आराम से कीजिएगा। ये देखिए हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से आपको फिश को डिवाइड करके फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये हमारा दूसरा, इस तरह से आपको इसे फ्राई कर लेना है। बाहर से क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। रेस्टोरेंट में भी आपको ये फ़िश नहीं मिलेगी, बहुत ही डिलीशियस फ़िश बन के तैयार होगी। फ़िश फ्राई होने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसी डिलीशियस डिशेस आपके साथ लाती रहूँ, शेयर करती रहूँ और आपके परिवार को भी ये सब बहुत पसंद आए। ये देखिए अब हम इसे निकालेंगे।
इस तरह से आप इसे निकाल लीजिए, सर्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट प्लेट में सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म, सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारी डिलीशियस मसाला फिश फ्राई बनके हो चुकी है रेडी। आप भी अपने घर में बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, उन सबको बहुत पसंद आएगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बाहर का कम खाइएगा, हेल्दी खाइएगा। टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर।